أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام عليكم اردو کلاس 6 آج ہم اس کا لیکچر نمبر 7 کریں گے تو سب سے پہلے بچوں آپ اس کے فہرست مضامین اوپن کریں فہرست میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے सबक नंबर 7 है रहम दिल मछेरा। उसके बाद हम उसके मानी सीखेंगे, फिर हम उसके सवालात जवाबात और गलत दुरुस्त की जवाब की निशानदेही होगी, यानी कि ये तफहीम में आ रहा है। उसके बाद हम कहानी का हलाकी सबक और दिए हुए मौजू पर हम बात करेंगे। फिर हम मुतजाद अल्फाज का इस्तेमाल और जुमले बनाना और साथ में मुतलाजिम अल्फाज का तसव्वुर। ये चीज़ आपके लिए नई है कि हम आज मुतलाजिम अल्फाज पढ़ेंगे। फिर बच्चों आपने मुकालमा लिखना है, मज़मून लिखना है, ये आपका काम है। तो आप सबसे पहले बच्चों पेज नंबर 35 ओपन करेंगे। पेज नंबर 35 बच्चों, ये है सबक नंबर 7 रहम दिल मछेरा। सबक पढ़ने के सबसे पहले मकासद को हम देखते हैं, तो मकसद है कि लालच के बुरे नतायज से आप आगाह हो सकें, सबक पढ़ कर मुख्तलिफ सवालात के जवाब लिख सकें, जिसके लिए मैं आप पर बहुत ज़ोर भी दे रही हूँ कि आपको ख़ुद ये तफहीम का काम करना चाहिए। जब हम कोई कहानी पढ़ लेते हैं तो फिर हमें उसके क्वेश्चन आंसर्स को ख़ुद उस सबक में से तलाश करना चाहिए। अल्फाज मुतलाजन यानी ग्रोही अल्फाज को समझ सकें और थिसारसिस का इस्तेमाल कर सकें। ड्रामों और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में अमली तौर पर शामिल होने की कोशिश करनी, रवानी और उमदा रफ्तार के साथ इबारत पढ़ सकें, कहानी के आगाज़ और अख्ताम वगैरह को अपने अल्फाज में बयान कर सकना या लिख सकना, और फिर किसी मौजू पर मुख्तसर मज़मून वगैरह लिखना और साथ में अल्फाज मुतजाद वगैरह देखना। यहाँ अहम अल्फाज में बच्चों हमारे पास हैं मछेरा, जरिया, रोज़गार, बदमिजाजी, समेटना, मायूस, अकलौती और ख्वाहिश। पढ़ने से पहले मैं आपसे दो सवाल करना चाह रही हूँ कि मछली पकड़ने वाले को क्या कहते हैं, और दूसरा है लालच कैसी आदत है। इन सवालों पर आप गौर करेंगे तो आपको खुद ही इसका जवाब मिल जाएगा। यानी मछली पकड़ने वाले को मछेरा कहते हैं और लालच कैसी आदत है। हम सब इस बात से आगाह हैं और जानते हैं कि लालच करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको यहाँ तक रीडिंग करके बताऊँगी और उसके बाद आप कहानी की थोड़ी सी वजाहत करूँगी कि क्या हुआ। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गाँव में एक बूढ़ा मछेरा रहता था। वो बहुत नेक और रहम दिल था। गाँव में किसी को भी ज़रूरत पड़ती तो बूढ़ा मछेरा इसकी मदद को पहुंच जाता। गांव के सभी लोग उससे बहुत खुश थे। बूढ़ा मछेरा रोज़ दरिया पर जाकर मछलियां पकड़ता, यही इसका वाहिद जरिया रोज़गार था। वो हमेशा इन मछलियों को तीन हिस्सों में तकसीम करता था। एक हिस्सा बाज़ार में फ़रोख्त कर देता, दूसरा गाँव के लोगों में बाँट देता और तीसरा पकाने के लिए अपने घर ले आता। मछेरे की बीवी एक झगड़ालू और लालची औरत थी। वो अपने शोहर से भी लड़ती और गांव वालों से भी झगड़ती रहती। सारा गांव उसकी बदमिजाजी से तंग था। अचानक मछेरा बीमार रहने लगा। अब इसमें इतनी हिम्मत ना रही कि वो सारा दिन दरिया किनारे बैठकर मछलियां पकड़ सके। इसके बावजूद वो रोज़ाना कुछ देर के लिए दरिया पर जाता और थोड़ी बहुत मछलियां पकड़कर वापस आ जाता। बजाय इसके कि बीवी बीमार हावन की शुक्रगुजार होती, वो इससे और ज़्यादा झगड़ा करती। बच्चों ऐसे कहानी ऐसे ही शुरू होती है। और एक दिन क्या हुआ कि बहुत ख़राब मौसम था। वो सुबह से दरिया के किनारे जाकर मछलियां जाल दरिया में डालकर बैठा हुआ था, लेकिन कभी उसके आज ऐसा हुआ कि मछलियां उसके जाल में नहीं फंस रही थी। वो मायूस होकर उठने ही वाला था कि एक सुनहरी मछली उसके जाल में आकर फंस गई। उसने देखा कि मछली जो है वो बहुत खूबसूरत और मुनफरिद है।
वो मछली को देख ही रहा था कि मछली बोलने लगी और बोली कि बूढ़े मछेरे मुझे छोड़ दो, मुझसे तुम्हारा पेट तो नहीं भरेगा, मेरे घर वाले जो हैं वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो बूढ़ा चूँकि खुद भी भूखा था लेकिन उसको मछली पर रहम आ गया और उसने मछली को जाने दिया। आगे फिर मछली बोली कि तुम बहुत रहम दिल हो, मैं मछलियों की रानी हूँ और तुम्हारी रहम दिली मुझे बहुत पसंद आई है, तो तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तुम ज़रूर मुझसे मांगना, मैं तुम्हारे काम आऊँगी। अच्छा, मछली ने जो मछेरे को बहुत सारे तोहफे और खाना वगैरह दिया और वो लेकर खुशी खुशी घर चला गया और अपनी बीवी को तमाम बात बताई। बीवी जो है वो उसको अपने शोहर की बात पे शक हुआ कि ये क्या कह रहा है, तो फिर उसने उसको आजमाने के लिए वैसे ही कहा कि अगर तुमने लाना ही था तो बर्तन धोने वाला बर्तन ले आते, क्योंकि वो तो टूटा हुआ है और रोज़ साबुन भी ज़ाया हो जाता है और पानी भी ज़ाया हो जाता है। अगले दिन बूढ़ा मछेरा दरिया के किनारे पहुँचा और मछली को पुकार कर उसने वही बीवी की फरमाइश बताई और मछली ने उसको ऐसे ही फ़ौरन से वो बर्तन ला दिया। और जब वो घर लेकर गया तो बीवी को वाकई यकीन हो गया कि वाकई इसके पास कोई जादुई मछली है जो इसकी सारी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी करती है। तो बजाय इसके कि बुढ़िया शुक्रगुजार होती तो बुढ़िया को मज़ीद लालच ने घेर लिया। अब वो दिन हर रोज़ है आए दिन अपने शोहर से नित नई फरमाइशें करती, कभी क्या कभी क्या, कभी कहती मुझे बहुत सारा जेवर ला दो, कभी कहती नया घर बनवा के दो। तो मछेरा हर बात जो है जाके मछली से कहता और मछली उसकी सारी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी करती रहती। आखिर एक दिन जो है वो बुढ़िया कहने लगी कि तुम अपनी मछली से कहो कि वो मुझे रानी बना दे। अब बूढ़ा तो बहुत बेबस हो गया कि ये क्या कह रही है, उसने समझाया लेकिन नहीं, उसने ज़िद ही बांध दी कि नहीं जी तुम बस उससे कहो कि मैं मुझे रानी बना दे। तो मछेरा बहुत मायूस और बेबस हो के जब मछली के पास आया तो उसने उसको बताया कि इस तरह मेरी बीवी ने तो ये फरमाइश कर दी है। मछली बोली कि जायज़ ज़रूरियात पूरी करने में तो कोई मज़ायका नहीं, लेकिन तुम्हारी बीवी के दिल में तो तमा और हिर्स यानी बहुत ज़्यादा लालच और बनावट नहीं ले ली है और ज़्यादा से ज़्यादा के चक्रों में तुम्हारी बीवी जो है वो तबाही के रास्ते में आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। तो मछेरे ने उससे कहा कि तुम ठीक कह रही हो। तो उसने कहा कि तुम्हें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद करूँ जो कुछ करूँगी। बूढ़ा मछेरा जैसे ही घर पहुँचा तो सब कुछ बदल चुका था। वहाँ अब ना कोई शानदार घर था ना ही माल और दौलत, उसकी बीवी को उसकी लालच की सज़ा मिल गई, अब वो पहले जैसी पुरानी हालत में आ गई। लेकिन बूढ़ा जो मछेरा था वो अपनी किस्मत पर पहले भी राज़ी था और आज भी राज़ी है। तो बच्चों ये इतनी अच्छी सी कहानी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन इसकी दो चीज़ें जवान रहती हैं, माल की हिर्स और उम्र की हिर्स। यानी हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा माल आए और हमारी उम्र कम होने के बजाय बस ज़्यादा ही होती चली जाए। अच्छा, आगे वाले पेज नंबर 38 पे देखें, अल्फाज मानी है मुँह जोर बद ज़ुबान दास्तान किस्सा कहानी मायूस ना उम्मीद माजरा वाक़या हिर्स लालच तमा कोसना बुरा भला कहना बदमिजाजी चिड़चिड़ापन मुनफरिद बेमिसल अलग शुक्रगुजार एहसान मंद। आगे तफहीम में देखें, बूढ़ा मछेरा मछलियों को कितने हिस्सों में तकसीम करता था। जब मैंने भी रीडिंग में आपको बताया कि बूढ़ा मछेरा मछलियों को तीन हिस्सों में तकसीम करता था, आइए इसका जवाब देख लें। पहले सवाल का जवाब देखें, वो हमेशा इन मछलियों को तीन हिस्सों में तकसीम करता था। एक हिस्सा बाजार में फरोख्त कर देता, दूसरा गांव के लोगों में बांट देता और तीसरा हिस्सा पकाने के लिए अपने घर ले आता। अगला सवाल है, ये मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब यहां से लगा रही हूं, यहां देखें बुक पे पेज नंबर 35 का आखिरी जो पैरा है, लेकिन ये थोड़ा लंबा है तो जब आप इसको अपने अल्फाज में बयान करेंगे तो बच्चों ये शॉर्ट हो जाएगा और आपको लिखने में भी आसानी हो जाएगी। एक दिन मौसम बहुत ख़राब था, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमकने के साथ तेज़ हवा भी चल रही थी। ऐसा लगता था कि अभी तूफ़ानी बारिश शुरू हो जाएगी। आज भी बूढ़ा मछेरा दरिया में जाल डाले मछलियों के फंसने का इंतज़ार कर रहा था।
सुबह से एक भी मछली इसके जाल में ना फंसी थी। आखिर वो मायूस होकर जाल समेटने लगा कि अचानक एक सुनहरी मछली इसके जाल में आ फंसी। वो इस नहायत खूबसूरत और मुनफरिद मछली को देख ही रहा था कि वो मछली बोलने लगी, बूढ़े मछेरे मुझे छोड़ दो, मुझसे तुम्हारा पेट क्या भरेगा, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं अपने वालदेन की इकलौती औलाद हूँ। बूढ़ा मछेरा थका हुआ था और भूखा भी था, लेकिन इसको मछली पर रहम आ गया। इसने मछली को जाल से निकाल कर दरिया में वापस डाल दिया। दरिया में जाते ही सुनहरी मछली ने खूबसूरत जलपरी का रूप धार लिया। इसने मछेरे से कहा, ऐ नेक दिल मछेरे, मैं मछलियों की रानी हूँ, तुम्हारी रहम दिली मुझे बहुत पसंद आई, जब कभी तुम्हें कोई ज़रूरत हो दरिया के इसी किनारे आकर मुझे पुकारना, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। ये यहाँ तक आपके दूसरे सवाल का जवाब है। तीसरा सवाल है बच्चों, मछली को बूढ़े मछेरे की कौन सी बात पसंद आई? तो आपने जवाब लिखना है, मछली को बूढ़े मछेरे की रहम दिली पसंद आई। ये जो लफ्ज़ मैंने अंडरलाइन करे हैं आपने इनको नहीं लिखना, बल्कि इसकी जगह आप जवाब में लिखना, मछली को बूढ़े मछेरे की रहम दिली पसंद आई। आगे है सवाल नंबर चार, देखिए, बुढ़िया के लालच का क्या नतीजा निकला? बुढ़िया की लालच का क्या नतीजा निकला? बुढ़िया के लालच का क्या नतीजा निकला? इससे सब कुछ वापस ले लिया गया। आपने पूरा जवाब लिख देना है, बुढ़िया के लालच का ये नतीजा निकला कि उससे सब कुछ वापस ले लिया गया। अगला सवाल देखें, अगर आपको कोई जादुई मछली मिले तो आप अपनी कौन सी ख्वाहिश पूरी करना चाहेंगे? ये सवाल, इस सवाल का जवाब आप अपनी मर्जी के मुताबिक लिखेंगे कि आपकी कौन सी ख्वाहिश है जिसको आप सबसे पहले पूरा करना चाहेंगे। आगे देखें, सवाल नंबर तीन है, दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। मछेरा बहुत लालची और झगड़ालू था, क्रॉस यानी गलत स्टेटमेंट है। बूढ़ा मछेरा रोज नहर पर जाकर मछलियां पकड़ता था, दुरुस्त। बुढ़िया अपने शोहर से नए घर की फरमाइश की, दुरुस्त। बुढ़िया का लालच रोज बरोज बढ़ने लगा, दुरुस्त। पेज नंबर 39 पे देखें, सवाल नंबर चार है बच्चों कि आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? अपने अल्फाज में लिखेंगे आपने इसका जवाब। सवाल नंबर पांच है, आपस में आप मतलब अपने घर वालों से या बड़े बहन भाइयों के साथ बात करके उनको ये कहानी सुनाकर उनसे पूछेंगे कि इसके लालच की यही सज़ा मिलनी चाहिए थी क्या? बुढ़िया को उसकी लालच की यही सज़ा मिलनी चाहिए थी क्या? तो आपने इसका जवाब भी लिखना है। आगे है, हर तशीदा अल्फाज के मुतदाद लिख कर जुमले दोबारा लिखें। ये सड़क बहुत तंग है, ये सड़क बहुत कुशादा है, ये तौलिया गीला है, ये तौलिया सूखा है। बच्चों गीला के साथ खुश्क भी आ सकता है, लेकिन गीला और सूखा आपस में जोड़ बनते हैं, जबकि खुश्क के साथ तर का जोड़ बनता है। पौधा फूलों से भरा हुआ है, पौधा कांटों से भरा हुआ है। अली इस वक्त फारिग है, अली इस वक्त मसरूफ है। वो एक कंजूस आदमी है, वो एक सही आदमी है। आगे आप देखें, मुतलाजिम अल्फाज के बारे में पढ़ें। घर कमरे बावर्चीहाना सहन गौसलहाना, यानी ये घर और उसके मुतलका जो चीज़ें हैं उस ग्रोह में हम वही शामिल करेंगे, जैसे सर्दी स्वेटर जुराबें कोट जर्सी। ऊपर दिए हुए अल्फाज मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज हैं, ऐसे अल्फाज जिनको ज़बान पर लाते ही इनसे मुतलका और बहुत से अल्फाज जहन में आ जाएं, उन्हें मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज कहते हैं। इस सबक से मुतलिक देखें, आगे हम एक्टिविटी कर रहे हैं। थिसार्स का इस्तेमाल करते हुए दर्ज ज़ेल अल्फाज के मुतलाजिम तहरीर करें, यानी इनको हमने अब हम एक लफ्ज़ को जब पढ़ेंगे तो उसके साथ के हमें जहन में बाकी लफ्ज़ भी आएंगे, तो हम देखेंगे कि क्या उनके दरमियान ताल्लुक है, तो हम उस तरह ये ग्रोह मुकम्मल कर सकते हैं। जैसे आसमान चांद तारे सूरज कहकशां, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहाँ होती हैं? आसमान पर। इस तरह एक ही ख़ानदान बन गया, जैसे ख़ानदान
अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, इन सब के मिलने से खानदान बनता है। स्कूल, स्कूल में होते हैं जनाब उस्तादा यानी उस्ताद, फिर तुलबा, किताबें, पेंसिल। शहर, शहर में है सड़कें, गाड़ियाँ, अस्पताल, कॉलेज। फिर है मस्जिद, इमाम, नमाजी, कुरान, आज़ान। ये तमाम चीज़ों का, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक जो है वो है मस्जिद से। आगे है लिखना सीखें, ये जो आपने खुद से भी और काम करना है ये वो हैं। सवाल नंबर 8 है, हम अपने माशरे को कैसे मिसाली माशरा बना सकते हैं। इस मौजू पर दो दोस्तों के दरमियान जो मुकालमा होगा वो आपने लिखना है और उसमें बताना है कि आप अपने माशरे के लिए कैसे मिसाली या फ़ायदा मंद हो सकते हैं। सवाल नंबर 9 है, मेरे ख्वाब के उनवान से एक मजमून लिखें। तो बच्चों, मैं इसकी वजाहत करती चलूँ, ये वो ख्वाब नहीं होगा कि जो आप रात को अपने बिस्तर पे देखते हैं, यानी कि आप सोए हुए हैं और आपने कोई ख्वाब देखा और आप वो, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे बच्चों ने इस मौजू पर कुछ इसी तरह के हालात का इजहार किया था कि मैं सोया और मैंने ये ख्वाब देखा। नहीं, बल्कि इसका ख्वाब आप, इस ख्वाब का ताल्लुक आपसे और आपके मुस्तकबिल से है और आपके वालदेन जो आपके बारे में सोच रहे हैं कि वो मुस्तकबिल में आपको क्या बनाना चाहते हैं या आप खुद क्या बनना चाहते हैं। तो ये वो मेरा ख्वाब है कि मेरे ख्वाब हैं कि मैं अपने आने वाले वक्त में क्या करूं, किस तरह करूं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उस पर आपने एक मजमून लिखना है। नंबर 10 पे है जी, आगाज़ और अंजाम का ध्यान रखते हुए सबक। रहम दिल मछेरे को कहानी के अंदाज में आप अल्फाज़ तहरीर करेंगे। बहुत आसान है और इसके आपके लिए ये चैलेंज है कि आप कहानी के राइटर बन सकते हैं। जैसे बिल्कुल इसी तरह आप इसको शामिल करेंगे और फिर ख़त्म भी ऐसे होगा जैसे बुढ़िया के साथ जो कुछ हुआ। तो ये आपका सबक है जो आपने घर से करके लाने हैं। जो आपका बच्चों ऑब्जेक्टिव होगा वो आपने सारा बुक के ऊपर ही करना है, लेकिन जो आपका लिखने का सबक है जैसे इंशा परदाजी है और बाकी काम है, वो आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से करना है। इस तरह आपका उर्दू क्लास का, उर्दू जमात शशम का लेक्चर नंबर 7 जो है वो मुकम्मल हुआ। आपने अच्छे तरीके से इसको लिखना और याद करना है। अपना ध्यान रखिएगा। फी अमानिल्लाह।